सबसे लोकप्रिय चैनल बोलता शब्द लाइव न्यूज और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। माधोगंज थाना क्षेत्र के रॉक्सी पुल के पास रहने वाली 11 वर्षीय बच्ची छठवी की छात्रा है। वह माँ से 20 रुपए लेकर पास ही मोमोस लेने के लिए गई हुई थी, तभी वह कुछ ही दूरी पर पहुंची कि पतंग की दुकान चलाने वाला 65 साल का बुजुर्ग चतुर्भुज राठौर मिला। चतुर्भुज ने बालिका को अपने पास बुलाया और चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ एक गोदाम में ले गया। गोदाम में पहुंचते ही चतुर्भुज ने बालिका के मुंह और आंख पर कपड़ा बांध दिया, उसके साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची वापस नहीं आई तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। वारदात की शिकार बच्ची रोते रोते अपने घर पहुंची, तब माता पिता को सारी बात बताई। तभी परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। वहीं पुलिस ने बालिका की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉस्को और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। रात को एक फरियादिया के द्वारा रिपोर्ट की गई है कि उसके बच्ची जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास है, पास में एक दुकान करने वाले व्यक्ति ने जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास है, उसके द्वारा उसको ले जा करके और उसके साथ गलत हरकत की गई है। इस पर से थाना माधोगंज में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया कि बंधक बना के रखा है या माता पिता ढूंढने गए? नहीं, बंधक बना के नहीं रखा है उसको, मतलब ले गया था सुनसान स्थान पे, अपने साथ ले जाने के कारण उसमें वो भी धारा लगाई गई। ग्वालियर से सुमेश शर्मा की रिपोर्ट।